एवरीवन, आज हम लोग सब यहाँ पर क्यों कलेक्ट हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं? दशहरा सेलिब्रेट करने के लिए। तो दशहरा क्या बताता है? बुराई पर अच्छाई की जीत प्रतीक है। क्या नाम है आपका? अफीफा। तो उस दिन क्या हुआ था? राम ने रावण का वध किया था ना। हाँ, क्या हुआ था बेटा इस दिन? क्या नाम है आपका? अनुज। वेरी गुड। क्या नाम है आपका बेटा? इस दिन क्या हुआ था? राम ने रावण का वध किया था ना। हाँ, और किसको पता है? चलो बताओ, नाम बताओ पहले। क्या हुआ था इस दिन? तो ये है हमारी आज की बर्थडे गर्ल। बर्थडे गर्ल, आज आपका कौन सा बर्थडे है? किस नंबर का बर्थडे है आज? आज आप कितने साल की हो गई? 8 ईयर्स की हो गई। ओके, गॉड ब्लेस यू। क्या नाम है बेटा आपका? अयान। दशहरा क्या बताता है? दशहरा में राम उनके आते हैं, सीता उनके आते हैं। हाँ, तो हम लोग इसी तरह कॉलेज में सेलिब्रेट करते हैं, सब अलग अलग गेटअप्स में आते हैं। लेकिन है क्या? बुराई पे अच्छाई की जीत है। इस दिन हुआ क्या था? इस दिन राम जी लक्ष्मण जी ने सीता जी को बचाया था और रावण को मारा था। यानी कि बुराई को खत्म करके अच्छाई की जीत हुई थी। क्या नाम है बेटा आपका? अरे, क्या हुआ था इस दिन? राम ने रावण का वध किया था और सीता को लेकर अपने घर आ गए थे। ओके, तो ये हमारे छोटे छोटे बच्चे थे जिन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए, उन्होंने इसका जवाब दिया। सो बाय एवरीवन, एंजॉय योर फेस्टिवल। तो गाइस, चलते हैं, मिलते हैं उन बच्चों से जो आ जाए हैं। तो गाइस, आज हम हैं अपने कॉलेज और मनाने जा रहे हैं दशहरा। ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे आज आए हैं राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी के और यमराज जी के गेटअप में। तो आज मिलते हैं इन बच्चों से, जानते हैं ये किस गेटअप में आए हैं और क्या बनकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे बच्चों के पास। क्या नाम बेटा आपका? गुड मॉर्निंग राम जी। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? आरव। ये आरव हैं, राम जी के गेटअप में हैं। आपका क्या नाम बेटा? अक्षिता। अक्षिता नाम है और सीता जी के गेटअप में है। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? रामन। आपका नाम क्या है? रामन। नाम क्या नाम आपका? रक्षा है, ये रावण जी के गेटअप में। आपका नाम बेटा क्या है? आप किस गेटअप में हो? ये किशन जी के गेटअप में आए। आपका नाम क्या है बेटा? अस्मिता है, सीता जी के गेटअप में। आपका क्या नाम है? अलीना है, सीता जी के गेटअप में। और ये हमारे आते हैं यमराज जी। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद अबान। किस गेटअप में हो? यमराज जी का एक्शन करके दिखाओ, कैसे दिखाते हैं तलवार। ये है इनकी तलवार और ये है यमराज जी। ये है नन्हे मुन्ने हमारे। क्या नाम बेटा आपका? आप किस गेटअप में हो? राम जी के गेटअप में हो। ये राम जी के गेटअप में है। आपका क्या नाम है? प्रियांशी। ये किस गेटअप में है? सीता जी के गेटअप में है। आपका क्या नाम है? लभांश। किस गेटअप में हो? राम जी के गेटअप में है। क्या नाम है आपका? अमन। किस गेटअप में है? राम जी के। ये है अमन खान और है राम जी के गेटअप में। क्या नाम है आपका बेटा? राम जी के गेटअप में है। आपका क्या नाम है? ये है दर्शित हमारे और हनुमान जी के गेटअप में। हनुमान जी अपना गदा दिखाइए। ये है इनका गदा। ये आई सीता जी। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। इब्रा। अक्षिता। आपका क्या नाम है? अर्पिता है और सीता जी के गेटअप में। आपका क्या नाम बेटा? नाम बताइए अपना। सीता जी के गेटअप में ये भी हैं आप। मल्लिका है, ये भी सीता जी गेटअप में। देखिए बहुत खूबसूरती से सारे बच्चे हमारे तैयार होके आए हैं, गेटअप में आए हैं। सीता जी के, राम जी के, हनुमान जी के। हनुमान जी गदा दिखाइए। ये रहा इनका गदा, पूरा गेटअप। मतलब ये पूरा थैंक्स जाता है हमारे पेरेंट्स के लिए जिन्होंने इनको इतने अच्छे से तैयार करके गेटअप में भेजा है। अमान ऊपर देखिए बेटा, राम जी के गेटअप में है ना आप। तो ये सारे बच्चे हमारे आज इन कैरेक्टर्स में हैं। ये यमराज जी हमारे तलवार के साथ, आज किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सब हमारे बच्चे अलग अलग गेटअप में। ओके, आप क्या करोगे बेटा? मैं रावण को मार डालूंगा। आप रावण को मार डालोगे।
तो ये सारे बच्चे आज क्यों आए हैं यहाँ पर? दशहरा मनाने के लिए ना, क्यों आए? दशहरा सेलिब्रेट करने के लिए ना। और आप सब अलग अलग गेटअप में है ना। सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मिलते हैं आगे इनके कैरेक्टर्स के साथ और बात करते हैं और बच्चों से। ये कुछ और बच्चे हमारे अलग अलग गेटअप में, क्या नाम है आपका? वजाहत। राम जी के गेटअप में है ये हमारे नन्हे हनुमान। ये अमान जो है वो राम जी के गेटअप में। उसके बाद क्या नाम है आपका? यश। रावण जी के रूप में हो, ठीक है। पूरा गेटअप देखिए कितना खूबसूरती से पहन कर आया है, तैयार होके भेजा है। और ये आते हैं हमारे यमराज, मोहम्मद अमान ना। हाँ, ये मोहम्मद अमान है, ये मोहम्मद अमान है पूरे रावण के गेटअप में, यमराज जी के गेटअप में, ठीक है। तो ये मुलाकात बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने कुछ पोजिंग की, जिस तरह दिखाया कि राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी के साथ, हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हुए, तो उसी तरह का कुछ पोजिंग और भी हम लोगों ने की अलग अलग वैरायटीज़ में, अलग अलग तरह से। जैसे कि एक जितनी भी लड़कियां हमारी तैयार होकर आई थी, उन सबका एक सीता का ग्रुप, मतलब जो सारी गर्ल्स हमारे जो तैयार होकर आई थी डिफरेंट डिफरेंट लुक में, डिफरेंट पोज में, उनको हम लोगों ने सीता के गेटअप में देखा और उनको साथ में एक फ़ोटो करना चाहा। और ये सब हमारे आज की मतलब जो सेलिब्रेशन स्कूल में हुआ उसके लिए सीता जी हैं। उसके बाद हम लोगों ने कुछ पेयरिंग की राम सीता की करके, तो ये एक अच्छा खूबसूरत सा जोड़ा राम सीता का है। और सबसे अट्रैक्टिव जो था वो हमारा यमराज बना हुआ था, ये अवान, बहुत ही खूबसूरत ड्रेसअप थी। उसके बाद था ये शुभम, जो बहुत ही अच्छे गेटअप में, रावण के गेटअप में आया था, बहुत ही अच्छे से तैयार होकर आया था। ये कुछ शॉट्स हम लोगों ने लिए, कुछ प्ले करा करके, वो रील आगे आपको देखने को मिलेगी। ये कुछ शॉट्स हैं जब सीता का हरण होता है, रावण उसको लेके जाता है, तो ये ऊंच पोज है। उसके बाद ये जो सबरी मिलती हैं बेरों के साथ, तो ये जंगल का एक शॉट हम लोगों ने बना क्रिएट करना चाहा कि वो अपने बेरों के साथ अपने जंगल में कुछ वेट करती हुई। उसके बाद कुछ शॉट ऐसे हैं जैसे कि हनुमान जी जब सीता के पास जाते हैं राम जी की निशानी लेकर के, और अंगूठी देते हैं और बताते हैं कि अंगूठी दिखाते हैं और बताते हैं ये अंगूठी राम जी की है। सीता जी उस अंगूठी को देखती हैं, लेती हैं, निहारती हैं और उसको याद करती कि हाँ, ये अंगूठी वाकई राम जी की है। उसके बाद फिर आगे की तरफ हम लोग ये सीता जी बैठे हुए अपने याद में, और उस अंगूठी को निहारती हुई, जिस अंगूठी में हम लोगों ने डिज़ाइन करके राम जी की एक फ़ोटो को पेस्ट करना चाहा, दिखाई पड़ा। उसके बाद हम लोग फिर और भी पोजिंग करना चाह रहे थे कि कैसे कैसे पोजिंग की जाए या कैसे कुछ और क्रिएट किया जाए, तो ये कुछ डिफरेंट पोजेस हैं सीता जी के। उसके बाद इन तीनों ने राम लक्ष्मण और सीता जी के कुछ पोज हम लोगों ने अपने स्कूल के प्रांगण में किए। ये बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में पहन कर आए थे, बिल्कुल राम के गेटअप में थे। उसके बाद ये तीनों एक प्ले तैयार किया हम लोगों ने, जिसमें ये पूरा दिखाया कि जिस तरह राम सीता के कहने पर जंगल में जाते हैं लकड़ी हिरण के पीछे, उसके बाद रावण आता है, उनको कहता है कि जो है वो भिक्षा मांगने के लिए आता है, भिक्षा देही। उसके बाद जब उनको भिक्षा दी है देने के लिए सीता जी जब आगे बढ़ती हैं, तो राम क्या उसको जो रावण का जो भेष में होता है वो रावण के भेष में आ जाता है और सीता जी का हरण करके वहाँ से चल देता है। तो हम लोगों ने कुछ सिंक्रोनाइज़ करना चाहा, बनाना चाहा। ये हनुमान जी अपने गधे के साथ, हनुमान आते हैं और सीता जी को अंगूठी देते हैं जिसमें राम की फ़ोटो बनी हुई होती है, तो ये फ़ोटो देख करके सीता जी बहुत खुश होती हैं। और ये सारे बच्चे हमारे इंतज़ार करते हुए कि कब हमारी भी पेयरिंग हो और हमारी फ़ोटोग्राफ खींची जाए और हम भी हाईलाइट हों सिंगल फ़ोटोज़ में और अपने सबके साथ। तो ये सब बच्चे हमारे अपने अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए और साथ में खड़े हुए सब एक दूसरे का इंतज़ार करते हुए, और सब इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी फ़ोटो हो और हम फिर अपने क्लास की तरफ या अपने घर की तरफ रवाना हों और सब अपने बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं कि वो क्या हैं, किस गेटअप में हैं और क्या आज सेलिब्रेट करने हैं। तो ज़्यादातर बच्चों को पता था वो किस गेटअप में है, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उन पेरेंट्स का जिन्होंने अपने बच्चों को इन गेटअप्स में भेजा, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान होता है इन छोटे बच्चों का गेटअप में आना, क्योंकि सब कुछ क्रेडिट जाता है उनके फादर मदर को और स्पेशली मदर्स को, क्योंकि वो सब अच्छे से तैयार करती हैं, तैयार करके उन बच्चों को स्कूल भेजती हैं। इसलिए भेजती हैं कि हर फंक्शन स्कूल में सेलिब्रेट किया जाता है, और बहुत अच्छे से तैयार करके इन सब पेरेंट्स ने भेजा। तो इन सब पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने अपने बच्चों को इतने अच्छे से तैयार करके स्कूल भेजा और उनको उस गेटअप में भेजा कि आज वो सब दशहरा फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं कॉलेज के प्रांगण में, और सब बहुत खुश हैं
क्योंकि आज मतलब जब हम बच्चों में खासियत होती है कि जब वो दूसरों से कुछ अलग पहन कर आते हैं तो अपने आप को कुछ अलग समझते हैं और अपने आप को बड़ा कहते हैं स्पेशल महसूस कराते हैं या करते हैं कि आज हम कुछ स्पेशल हैं, तो वो सब चीज़ें दिखाई गईं और तो ये सारे बच्चे आज बहुत खुश मिजाजी से स्कूल आए और आ करके अपने आप को बिल्कुल प्राउड फील करते हुए कि हम आज कुछ आपसे यानी कि स्कूल ड्रेस से स्पेशल हैं और कुछ अलग बनकर आए हैं। तो कोई अलग अलग गेटअप में सारे बच्चे हमारे आज हमारे लोगों के सामने आए और हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे कुछ स्पेशल गेटअप्स में आते हैं। जैसे हनुमान जी, नन्हे हनुमान जी, ये बहुत ही खूबसूरत गेटअप में थे, इनका गदा तो देखने ही वाला था। उसके बाद सब एक से बढ़कर एक अच्छे लग रहे थे और सब ने बहुत बढ़ चढ़ करके सब जो भी प्रोग्राम हम लोगों ने आज किए या जो भी एक छोटा सा सीन प्ले कराया उसमें भी सब ने बच्चों ने हमारे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सब ने एक दूसरे को खूब कोऑपरेट किया, स्पेशली टीचर्स ने भी, कि कोई किसी का क्लैश नहीं है और सब बच्चों ने बड़ों ने सब में मिल करके आज बहुत धूमधाम से दशहरे के फेस्टिवल को धूमधाम से हम लोगों ने स्कूल में सेलिब्रेट किया। और ये दशहरे का जो फेस्टिवल है ये हमको ये सिखाता है और बताता है कि बुराई पे किस तरह से हम अच्छाई की जीत हुई थी, उस सारी बातों को दिखाता है, बताता है। इसी तरह जो हमारी डे टू डे लाइफ है उसमें भी हमें आगे बढ़ने की इनक्रेज करता है कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए और बुरे कामों को छोड़कर अच्छे कामों की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये सारी जो भी फेस्टिवल्स होते हैं ये कुछ ना कुछ सीख लेकर आते हैं और हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें या इनके बारे में जाने तो हमें पता चलता है कि हर फेस्टिवल हमें एक लेसन देता है और ज़िंदगी को जीने की एक राह बताता है कि किस तरह से बुराइयों पर अच्छाई की जीत होती है। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, कैसे लगे हमारे ये बच्चे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।